कोमल, वो जो बच्चे हैं जो आपके साथ छात्र हैं, आई वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ पूछता है भारत आज, आप उनको अपने साथ रखिए, मैं आऊंगा, आपका फ्रेम लाइव रखिए और मल्टी में ऐड कीजिए इस फ्रेम को। डायरेक्टर, कैन आई हैव ऑल माय गेस्ट? इनके साथ विनय सिंह सुना आपने, विशाल मिश्रा सुना आपने, रंगरेज साहब आपने तो बिल्कुल सुना होगा ना, क्योंकि रंगरेज साहब ये एग्जैक्टली वही सोच है जो आपके नेता बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी साहब ने, जय फिलिस्तीन को जय भारत मां बोलेगा आप, देखिए आप जय फिलिस्तीन बोलेंगे, आप दिवाली नहीं मनाने देंगे, आप दिए अगर कोई पटाखा जला रहा होता आप विरोध करते, सरकार फाइन लगाती है 1,25,000 रुपए का फाइन, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सॉरी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, दीपक जलाना अनुमति के साथ, अनुमति के समय, अनुमति वाली जगह कैसे क्राइम है और आप क्यों रोकेंगे? देखिए विवाद जो है छात्रों का विवाद है, यूनिवर्सिटी का विवाद है, और बार बार ये कह देना कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कौन, मैं तो दीपावली की बात कर रहा हूँ, मैं तो दीपावली हिंदू राष्ट्र की बात कैसे हो गई? सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारी क्या ईद मनाना हमारी मुसलमान राष्ट्र की बात हो जाती है? नहीं सोरिया जी, कोई दीपावली मना रहा है, बच्चे हैं ये राजनेता नहीं, आप समझो दे आर नॉट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये बच्चे हैं, जब इन पढ़ रहे हैं, अच्छा सुनिए, जब यही बच्चे होते हैं, जब आप और हम, जब कोई पब्लिक दीपावली नहीं मनाते, पब्लिक पैलेस में ईद, अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, सोरिया जी मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, जब कोई हमारी अनुमति लेके पड़ता है, बिना अनुमति, बिना अनुमति के भी, और वैसे भी नहीं, इन्होंने अनुमति लेके दी है, नहीं सुनिए, दिए जला आप एक्चुअली रॉन्ग है, अगर किसी से, नहीं देखिए मैं आ रहा हूँ, जय फिलिस्तीन के साथ, तो हम तो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, अरे भारत में रहकर कभी भारत माता की भी जय बोल लो, फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, हमारे सदर साहब ने संसद में बोला, मैं आपसे स्टूडियो में बोल रहा हूँ, जय फिलिस्तीन, सुन रहे हैं आपको, तो हम तो हमारी सरकार, ये AIMIM के प्रवक्ता है विनेश, हमारे भारत में रहते हैं, भारत के सांसद बनते हैं, भारत की जनता इन्हें नेता, अगर आप कभी नेता बने और आपके बैरिस्टर साहब ने जिनकी प्रॉपर्टी का लाभ वक्फ में देने के लिए बिल्कुल बेआबू, वो क्या हो रहे थे, क्या कहते हैं, बेकाबू, हाँ बेकाबू हो रहे थे, बेताब हो रहे थे, उन्होंने कभी आपको टिकट दिया, तो आप भी फिलिस्तीन से नहीं भारत से नेता बनेंगे, तो जय फिलिस्तीन जितनी आप शिद्दत से बोलते हैं उसकी आधी शिद्दत से भी अगर आप भारत का नारा लगा लेंगे, अगर आप भारत माँ के बारे में बोलेंगे तो देर इज नॉट, अच्छा आप सुनिए मेरी बात, सूर्या जी सुन तो लीजिए, आप दीपावली के आपको प्रॉब्लम, इस देश की AIMIM ने किया ये, हमारी देश, या तो आप बताइए आपने किया क्या, ये देखिए सर सुनिए, ये आपने कराया क्या, देख मेरी नहीं, ये आपने कराया क्या, हमने नहीं, नहीं जरा क्लियरली बात हो जाए, लोगों ने आपने कराया, फिलिस्तीन बोल दिया, ये आपने कराया सर, ये आपने कराया थोड़ी है, जय फिलिस्तीन, ये आपने कराया क्या, ये जय फिलिस्तीन आपने कराया क्या, नहीं है सर, ये आपने कराया, अरे सर हमने नहीं, ये आपने कराया, वहाँ के लोगों ने, ये आपने कराया, वहाँ पे किसी और धार्मिक नारा लगा सकता है, किसी और तरीके की बात कर सकते, ये आपने कराया क्या, वो भी कर सकते, क्लियरली बात करते हैं, उनको भी आजादी, ये आपने कराया क्या, देश जो है हमें आजादी देता है अपने खुलकर विचार रखने के लिए, तो इसमें किसी को दिक्कत, देश के खिलाफ नहीं, मगर जब जय फिलिस्तीन ने देश के खिलाफ कौन सा नारा लगाया, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा सबसे पहले AIMIM की पार्टी और हाजी मेहरदी नगरे इस मंच से कह रहा है, नहीं नगरे साहब आप तो, मगर ये आप तो पूरे देश को ही अपना बताते हैं, आप समझिए, विनय सिंह, विनय सिंह ऑन द अदर साइड, पड़ेगा मेरे को नहीं समझ, पब्लिक पैलेस में नमाज, अरे दिक्कत, अब सुनिए एक सेकंड, एक सेकंड, पूरा तो हार, विनय सिंह किस तरीके, विशाल जी एक सेकंड, अब आपने बोल लिया भाई कंट्रोल, ये कह रहे हैं कि अगर कोई बिना अनुमति के नमाज पढ़ लेता है और कोई अनुमति लेके उस समय उतने ही लोग दीपक जगाते हैं तो वो बराबर है, आप अनुमति लो या अनुमति ना लो, ये कह रहे हैं तुम हमें बिना अनुमति नहीं पढ़ने दोगे, कहीं हम तुम्हें अनुमति के साथ भी दीपक नहीं जगाने देंगे, यही कह रहे हो ना, नहीं नहीं यही यही कह रहे हो, नहीं नहीं यही यही कह रहे हो कि उस एक आदमी, मेरी बात तो नहीं, एक आदमी बिना लाइसेंस के चला रहा है स्कूटर, एक आदमी लाइसेंस के साथ चला रहा, आप कह रहे बराबर है, तू अनुमति ले या ना ले, तूने मुझे नहीं चलाने दिया, मैं तुझे नहीं चलाने दे, यही है और क्या है, अगर उनके पास अनुमति है भाई बनाने की, तो वो वहां पर धार्मिक नारा क्यों लगा रहे हैं, अरे भैया कौन पूछे, आप इस पर तो नहीं पूछेंगे, अरे आप पूछे, आप भड़काऊ भाषण बोल रहे हैं, अचार्य हजारो विनय सिंह, आप एक एक करके, एक एक करके, नाउ यू काम डाउन, विनय सिंह कोमल, मेरे को उन बच्चों को सुनाना है कि AIMIM क्या कह रहे हैं, अचार्य राज प्लीज, थैंक यू, एक एक करके, रंगरेज रंगरेज भाई, हाँ भाई, लेखक महोदय बोलिए, कुछ तो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको, हाँ, कि 2006 में मोहम्मद साहब का अपमान हुआ, कार्टून बनाया, गलत है, डैनिश कार्टून, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी नहीं होनी, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट हुआ, 1500 बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए था, ये मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जहां मोहम्मद साहब के अपमान के बाद में जामिया मिलिया के विद्यार्थी प्रोटेस्ट करते हैं, वहीं 2009 में
एमएफ हुसैन जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते हैं तो एमएफ हुसैन के समर्थन में जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग सड़क पर उतरते हैं और एक हॉल का नाम तो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त आदमी नहीं, प्लीज रिलैक्स, मैं बोलता हूँ वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आप समझिए, समझ रहा हूँ, एमएफ हुसैन की बात से ग्रस्त है, ये इस्लामोफोबिया को बढ़ रहे हैं, ये लगातार जो यूनिवर्सिटी में, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपने एक सेकंड भाई बीच में बोलो, मैं आपको ऑडियो डाउन करता हूँ, बीच में उसका इतिहास बता रहे, अरे भैया वहां से लोग पढ़कर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पदों पर, किसने संस्थान की बात की, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, रिलैक्स, उसपे तो बोले नहीं, उसपे तो बोले नहीं, बीच में बोलोगे मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा जी, बिलाल आप अकेले नहीं पढ़े, जो मेरे शो का प्रोड्यूसर हो वहीं का पढ़ा, उसे भी इनविटेशन था, ये परमिशन के साथ हुआ है, बिनय सिंह बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए बिनय सिंह, ऐश्वर्य भाई आप दिवाली परमिशन लेकर के मनाइए, जामिया मिलिया इस्लामिया में एक तबके को बुरा लग जाता है, और तो सुनिए किस बात पे जामिया के लोगों को बुरा लगता है, 2018 में जिन्ना के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों को बुरा लग गया जी, जिन्ना के खिलाफ अगर मैं प्रोटेस्ट करूं और रंगरेज भाई को बुरा लग जाए तो ये तो बड़ी बुरी बात है, अरे जिन्ना हमारा भी दुश्मन है, रंगरेज भाई आपका भी दुश्मन है, भाजपा का भी दुश्मन है, आईएमएम का भी दुश्मन है, तो जिन्ना का विरोध करने से क्यों बुरा लगता है जी जामिया के लोगों को। एक अंतिम बात है सूर्य भाई, जामिया मिलिया की स्थापना जब हुई थी कई लोग थे उसमें अलामा इकबाल भी थे, उसमें महात्मा गांधी भी थे, मुझे लगता है कि गांधी जी की विचारधारा वहां छिन्न हो गई है और अलामा इकबाल की जो विचारधारा थी जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंसक बनाया, एक सेकुलर आदमी को एक कम्युनल फासिस्ट बना दिया, जिसने कि एक मुस्लिम अलग देश की स्थापना कर दी, तो मुझे लगता है कि अलामा इकबाल का जो आपने पढ़ा है आत्मा है, कल जो कह रहे आपसे नहीं कह रहा हूं, हावी हो रही है, हम मुगलों के, हमने 900 साल राज करा, आपने पढ़ा है, रिलैक्स करा करो रंगरेज साहब, सुसम नहीं रह जाएगा, क्या हो जाता है, रिलैक्स नहीं है सोरे, रिलैक्स क्या हो जाता है, एकदम रिश्वी साहब, हम सुबह तो गुस्सा साहब है आचार्य राज, आपके भाई है सुन लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई की बात नहीं करिए ना, विनय सिंह सब पे करता हूँ, अरे शांति से दीपक तो जगाने दो, रिश्वी साहब मैं किसी यूनिवर्सिटी की नहीं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ और पता लगेगा वो कौन थे, मैं 80% आपको बता रहा हूँ, 80% उसमें बाहर के लोग होंगे, 80% मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी संस्थान का नाम खराब मत कीजिए, कम डाउन बिलाल, ऐश्वर्य जी, आई विल कम टू यू, ऐश्वर्य जी ये जो अभी बात आपने कही है ना, पर आने असल में यही बात है और यही सच्चाई है कि वहां पे बैड एलिमेंट्स वहां पे दाखिल हो गए और ये जिम्मेदारी वहां जो प्रॉक्टर होते हैं, रिपोर्टर के पास जाएंगे, जो डीन ऑफ फैकल्टी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करें और इसीलिए आई कार्ड चेक करके अंदर दिया जाता है कि बैड एलिमेंट्स ना दाखिल हो, और वो लोग दाखिल हो गए जैसे भी हो गए हों, ये जांच का विषय है, और उन्होंने ही माहौल खराब किया, जो मेरे पास रिपोर्ट है